एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे अपील के बारे में, यानी अपील के बारे में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो प्रोविजंस हैं आज हम लोग उनको समझेंगे। हम लोग समझेंगे कि अपील कब की जा सकती है और इसका क्या प्रोसीजर है और किस कोड में किया जा सकता है, इन सारे प्रोविजंस को आज हम लोग समझेंगे। ये अपील जो है ये चैप्टर 29 के सीआरपीसी के अंदर डिस्कस की गई है और ये शुरू होती है सेक्शन 372 से लेके 394 के बीच में ये डिस्कस है। तो इसके अंदर कई सारे सेक्शंस हैं, तो आज हम अपने इस पहले लेक्चर में जो अपील के ऊपर आज हम बना रहे हैं वीडियो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा धाराओं को हम कवर कर सकें। तो सबसे पहले अपील शुरू करने से पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि अपील का मतलब क्या होता है। अपील एक तरह की राइट होती है जिसके अंदर एक जो व्यक्ति होता है वो अपने किसी पर्टिकुलर केस को जो है निचली अदालत से ऊपरी अदालत में लेके जाता है, यानी इंफीरियर कोर्ट से सुपीरियर कोर्ट में लेके जाता है, इस मकसद से कि सुपीरियर कोर्ट उस जजमेंट को देखे जो निचली अदालत में हुआ है, क्या ये सस्टेनेबल है, क्या ये ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपील के लिए है कि अपील जो होती है इट इज अ क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूट, यानी ये स्टैट्यूट की क्रिएशन होती है, ये एक इनहेरेंट या नेचुरल राइट नहीं है। यानी किसी भी व्यक्ति के पास ये एक नेचुरल राइट नहीं है कि कोई कोर्ट से फैसला आ गया तो वो उसको अपील कर ले। अगर अपील करने के लिए दिया गया है प्रावधान है तब एक्सप्रेसली तभी वो अपील कर सकता है, वरना वो अपील नहीं कर सकता है। तो ये अपील का मतलब होता है। अब हम लोग देखते हैं कि धारा 372 क्या कहती है। जो धारा 372 है ये सेम वही चीज कहती है कि किसी भी क्रिमिनल मामले में अपील नहीं की जा सकती है जब तक कि इस कोर्ट के अंदर यानी इस संहिता के अंदर नहीं दिया गया है। अब इसका जो प्रोविजो था ये 2008 के अमेंडमेंट में ऐड किया गया। इसका प्रोविजो कहता है कि अगर कोई विक्टिम है यानी जिसके अगेंस्ट जो है अपराध हुआ है, वो ये देखता है कि जो अपराधी है उसको बरी कर दिया गया है, एक्विट कर दिया गया है, उस केस में वो उसके पास अपील करने की राइट होगी, उसके पास अधिकार होगा अपील करने का, या जो उसके अगेंस्ट सजा दी गई है, जो सजा है वो जो है लेसर ऑफेंसेस है, यानी मान लीजिए कि उसको 302 के अंदर उसके ऊपर सजा होनी चाहिए थी उसकी, लेकिन उसके ऊपर जो चार्ज लग गया है वो लग गया 304A, 304A लगा दिया गया, उसकी सजा कम हो गई काफी, तो इस ये मामला होगा तो भी वो अपील कर सकता है। या जो कंपेंसेशन लगाया गया है वो भी इनएडिक्वेट है, उसके ऊपर कंपेंसेशन जो लगाया गया है वो भी ठीक नहीं है, तो इस मामले में भी वो अपील कर सकता है। अब अपील का के अंदर एक केस था इसी सेक्शन 372 का कि अकालू अहिर वर्सेस रामदेव राम का, ये डिसाइड हुआ था 1973 में सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एकदम हूबहू वही चीज बोली जो भी हमने आपको बताया कि ये जो अपील करने का राइट होता है ये कोई इनहेरेंट और नेचुरल राइट नहीं होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि ऐसा स्टैट्यूट में दिया गया होता है। और इट वॉज हेल्ड दैट देर इज नो इनहेरेंट राइट ऑफ अपील बिकॉज अपील इज अ क्रिएचर ऑफ स्टैट्यूट, ये चीज इस केस के अंदर बोली गई। अब ये सेक्शन 372 कहता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अपील का क्या प्रावधान है भारतीय संविधान के अंदर, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपील से जुड़े हुए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। अगर हम लोग देखें अनुच्छेद 132, 134 और 136 जो अपील के ऊपर डील करते हैं, यानी आर्टिकल 132, 134 और 136, हम लोग एक एक को समझते हैं। जो आर्टिकल 132 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहता है कि आप किसी भी हाई कोर्ट के जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर से जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, चाहे सिविल का मामला हो चाहे क्रिमिनल का मामला हो। अगर हाई कोर्ट उसके अंदर ये चीज सर्टिफाई कर देगी कि इसके अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मामला, ये ग्राउंड है तो, और उसको सर्टिफाई कर देता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पर लेकिन मान लीजिए कि अगर हाई कोर्ट जो है इस चीज को करने से रिफ्यूज कर देता, हाई कोर्ट आपको सर्टिफाई नहीं करता है, सर्टिफिकेट नहीं देता है कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, लेकिन उसके बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट को जाके इस बात के लिए सेटिस्फाई कर देते हैं इसी ग्राउंड के ऊपर कि इट इन्वॉल्व द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसी ग्राउंड पे अगर आप सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है आपको स्पेशल लीव दे देगा, ठीक है आप अपील करिए इस चीज के लिए। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 134। अब आर्टिकल 134 जो है ये भी कहता है कि आप हाई कोर्ट के किसी भी जजमेंट हो गया, फाइनल ऑर्डर हो गया, किसी भी सेंटेंस से अपील कर सकते हैं उस मामले में जिसके अंदर हाई कोर्ट ने किसी, मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है बरी कर दिया गया हो, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको रिवर्स करके अपील होने पे उसको रिवर्स करके उसको सजाए मौत दे दिया हो, या कोई और के मामला हो जो निचली अदालत में चल रहा हो, हाई कोर्ट ने उसके अंदर किसी व्यक्ति को सजाए मौत दे दिया हो केस को विड्रॉ करके,
और या तो हाई कोर्ट ने उसको सर्टिफाई कर दिया हो कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, तो ये आर्टिकल 134 बोलता है अपील के बारे में। फिर आता है आर्टिकल 136 जो डील करता है स्पेशल लीव अपील। स्पेशल लीव देता है सुप्रीम कोर्ट इसमें आपको कि अपील करिए चाहे कोई भी जजमेंट हो, डिक्री हो, डिटर्मिनेशन हो, ऑर्डर हो, फाइनल ऑर्डर हो, उसमें आप अपील कर सकते हैं। किसी भी कोर्ट से आया हो, ट्रिब्यूनल से आया हो, आप इसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर लगता है कि कोई ग्रेव इनजस्टिस आपके साथ हो जाएगी या हो गई है आपके साथ, या कोई एक्सेप्शनल या स्पेशल सर्कमस्टांसेस है और आपके पास ऐसे मामले हैं उस केस के अंदर कि उसको एक बार देखा जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट आपको स्पेशल लीव दे देगा अपील करने के लिए। यह हेल्ड भी हुआ था केस के आदम जी उमर दलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में एयर 1952 के, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि कोई स्पेशल अगर सर्कमस्टांसेस है, एक्सेप्शनल केस है, तो सुप्रीम कोर्ट दे देगा स्पेशल लीव अपील करने के लिए। तो ये हो गया कि जो हिंदुस्तान के जो संविधान के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर जो प्रावधान है अपील के, हमने उसके ऊपर डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 373 क्या कहता है। सेक्शन 373 कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऑर्डर हुआ है, जो ऑर्डर होता है, जो यानी जो धारा 117 के अंदर जो है ऑर्डर होता है कि आप एक सिक्योरिटी रखिए अच्छे व्यवहार के लिए, कि आप अच्छा व्यवहार करेंगे, आप चैन और अमन से जिएंगे, उसके लिए अगर आपको कोई सिक्योरिटी रखवाई जाती है, उसका ऑर्डर हुआ है, और या कोई एग्रीव पार्टी है जिसको ऑर्डर से रिजेक्ट किया गया है उसके श्योरिटी के लिए, या उसको रिफ्यूज कर दिया गया है एक्सेप्ट करने से धारा 121 के अंदर, तो वो अपील कर सकता है कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर। पर ये उस व्यक्ति के ऊपर ये मतलब लागू नहीं होगी जिसके अगेंस्ट जो है प्रोसीडिंग जो है कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर धारा 122 के अंदर शुरू हो चुकी है पहले से। तो इस धारा के अंदर, धारा 373 के अंदर और कुछ नहीं है, बस सिर्फ इतना सा इसका मेन एक सेक्शन ही है। फिर उसके बाद आता है धारा 374, ये इंपॉर्टेंट है। ये डील करता है कि अपील फ्रॉम कन्विक्शंस, यानी जब किसी को सजा हो जाती है तो उसके बाद अपील होने का तरीका बताती है। ये सेक्शन कहता है कि अगर जैसे, ये तो बहुत कुछ इसके अंदर बातें ऐसी जो है जो बहुत कॉमन है, जैसे अगर हाई कोर्ट से सजा होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब अगर कोर्ट ऑफ सेशन से सजा हुई है, यानी अब कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड कर दी गई, यानी कोर्ट ऑफ सेशन हो गई, अगर कोई एडिशनल सेशन जज ने भी सजा दिया है तो भी आप हाई कोर्ट जाएंगे, और अगर किसी ऐसे कोर्ट ने सजा दिया है जिसके अंदर उसने 7 साल से ज्यादा की सजा दे दिया है, 7 साल से ज्यादा की सजा, ये बोलता है कि इन विच अ सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर्स हैज बीन पास्ड, 7 साल से ज्यादा की सजा दे दिया गया है उसके अगेंस्ट, तो भी आप जाएंगे हाई कोर्ट, इन केसेस में आप जाएंगे हाई कोर्ट। पर अगर मान लीजिए इसकी जो उपधारा 3 है वो कहती है कि अगर आप मान लीजिए कि आपको असिस्टेंट सेशन जज, हम यहां पे असिस्टेंट कह रहे हैं, एडिशनल नहीं कह रहे हैं, एडिशनल सेशन जज अगर सजा सुनाएगा तो आप सीधा हाई कोर्ट जाएंगे, असिस्टेंट सेशन जज अगर सुनाएगा तो आप किसके पास जाएंगे, असिस्टेंट सेशन जज अगर आपको सुनाता है तो आप जाएंगे कोर्ट ऑफ सेशन में, ना कि आप जाएंगे हाई कोर्ट के पास। तो अगर असिस्टेंट सेशन जज या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, अगर ये लोग आपको सजा सुनाते हैं, अगर ये सजा सुनाते हैं तो फिर आप जाएंगे कोर्ट ऑफ सेशन के पास। तो ये धारा कहती है उपधारा 3 कि उपधारा 2 को अधीन में रखते हुए आप जाएंगे कोर्ट ऑफ सेशन में, और भी अगर कोई मामला आता है धारा 325 के अंदर या धारा 360 के अंदर का भी है तो भी ये लोग जाएंगे कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर। बस इसके अंदर इतना ही बताया जा रहा है। अब इसके अंदर एक केस है गोविंदा काटू जी वर्सेज स्टेट AIR 1970 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मान लीजिए कि जो हाई कोर्ट है वो किसी मामले से अपील को रिजेक्ट कर देता है, तो इस अपील को रिजेक्ट करने के लिए वो अपने रीजन को स्पेसिफाई करेगा, वो रीजन देगा कि वो इस अपील को क्यों रिजेक्ट कर रहा है, ताकि जो पार्टी है जिसने अपील किया है अगर वो सुप्रीम कोर्ट आती है कल, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट को पता तो रहे कि हाई कोर्ट ने किस ग्राउंड पे उसकी अपील को रिजेक्ट किया था। तो इसके अंदर बस इतना ही है आर्टिकल 374 के अंदर। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 374 के, उसके बाद आता है सेक्शन 375। अब ये सेक्शन 375 जो है ये कहता है कि अगर कोई पार्टी जो अपने गुनाहों को, यानी अपनी जो उसके क्राइम है उसकी गिल्टी प्लीट कर देती है, यानी गिल्टी प्लीट करने का मतलब कि जो चार्जेस प्रोसिक्यूशन ने लगाए हैं उसके ऊपर उसको वो मान लेती है कि हाँ ये चार्जेस सही है प्रोसिक्यूशन के, तो अगर वो ऐसा करती है तो वो अपने इस राइट को खो देगी, अपील के राइट को खो देगी, उसके बाद फिर वो अपील नहीं कर सकती है। वो सिर्फ तभी अपील कर सकती है अगर वो ये प्रूफ दे देगी कि हाँ उसकी जो सजा है वो इलीगल है, या उसके एक्सटेंट तक, यानी बहुत सीवियर सजा लगा दी गई, यानी जो सजा देना चाहिए थे
उसके अलावा कोई बहुत सख्त सजा लगा दी गई, सिर्फ इन्हीं दोनों ग्राउंड पे वो अपील कर सकता है, बाकी उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। फिर ये कह रहा है कि इफ द कन्विक्शन इज बाय अ हाई कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट से क्यों ना सजा हुई हो, इफ द कन्विक्शन इज बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन, चाहे वो कोर्ट ऑफ सेशन से हुई हो, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दी हो, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने दिया हो, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने दिया हो, फिर आप उस केसेस में अपील नहीं कर सकते। लेकिन पर मान लीजिए कि जो ये प्लीड ऑफ गिल्टी है, अब प्लीड ऑफ गिल्टी का प्रोसिक्यूशन कुछ कोई ट्रिक इस्तेमाल करता है, किसी तरीके से ऐसा एक गेम खेलता है जिससे जो अक्यूज्ड है, अभियुक्त है, वो अपने जो उसकी जो जो जिस चीज के चार्जेस लगे हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है कि हाँ हमने ये चीज की है। पर इसके पीछे एक गणित थी, एक ट्रिक आपने खेला, तो यहां पे उसके जो अधिकार है वो नहीं खोएगा, उसके पास राइट ऑफ अपील अभी भी रहेगी, मौजूद रहेगी। ये केस हुआ था प्रफुल्ला कुमार रे चौधरी 1943 के केस में। अब इसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, धारा 376, सेक्शन 376, ये डील करती है नो अपील इन पेटी केसेस, यानी छोटे मामलों में कोई अपील नहीं होगी। अब ये छोटे मामले क्या है वो इस धारा के अंदर दिए गए। ये कहता है कि अगर मान लीजिए हाईकोर्ट ने अगर आपको 6 महीने की सजा सुना दिया, हाईकोर्ट ने अगर आपको 6 महीने की सजा सुना दिया या 1,000 रुपए का फाइन लगा दिया या दोनों लगा दिए, तो आप अपील नहीं कर सकते हैं। या कोर्ट ऑफ सेशन ने आपके ऊपर 3 महीने की सजा लगा दिया है या आपके ऊपर 200 रुपए का, अगर 200 रुपए का जुर्माना लगा दिया है या दोनों लगा दिए, तो भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है अगर आपके ऊपर सिर्फ 100 रुपए का जुर्माना लगाता है, तो भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। या अगर कोई मजिस्ट्रेट जो धारा 260 के अंदर किसी केस को समरली ट्राई करता है और उसके अंदर 200 रुपए का जुर्माना लगा देता है, तो भी आप इसके अंदर अपील नहीं कर सकते हैं। अब लेकिन इसका प्रोविजो जो है वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए आप, वो कहता है कि आप उन मामले में अपील कर सकते हैं जब दो मतलब पनिशमेंट को जो है कंबाइन कर दिया गया हो, जब कंबाइन करने का मामला आ जाएगा तो उस केसेस में जो है आप अपील कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये अपने कई पॉइंट जोड़ता है उसके अंदर और कहता है कि आप इन मामले में तब भी अपील नहीं कर सकते हैं, कि यानी वो जो कंबाइंड हुआ है, अगर इस मामले में हुआ है कि कोई पर्सन कन्विक्ट हुआ है, अब लेकिन उससे पैसा मांगा जा रहा है उसके गुड बिहेवियर या फर्निश सिक्योरिटी टू कीप द पीस, पीस रखने के लिए उससे जो फाइन मांगा जा रहा है, तो यहां पे जो है इसको कंबाइंड नहीं माना जाएगा। या कोई डायरेक्शन दिया गया है इंप्रिजनमेंट के लिए इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, फाइन ना दे पाने की वजह से, इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन की वजह से इंप्रिजनमेंट का डायरेक्शन दिया जाता है जो कि उस सेंटेंस के अंदर इंक्लूड है, तो इसमें भी नहीं कर पाएंगे। या दैट मोर देन वन सेंटेंस ऑफ फाइन इज पास्ड, अब जैसे किसी एक मामले के अंदर, एक ही ट्रायल के अंदर कोई दो सजा हो गई, तो उनको भी एक ही सजा माना जाएगा। जो धारा 31 है उसकी उपधारा 3 यही चीज कहती है, उसको कॉन्जिक्यूटिव अगर पनिशमेंट आई है एक ही ट्रायल के अंदर, तो उसको एक ही सेंटेंस माना जाएगा, तो उस केस में भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने आज सेक्शन 372 से लेके 376 तक कवर कर लिया है सीआरपीसी के अपील के टॉपिक के अंदर। अब इसके आगे के जो सेक्शंस हैं उसको हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे।